और अगर आपको प्रॉपर एक शादी में पहन के जानी है वो भी पहन सकते हैं, और अगर आप एक नॉर्मल पार्टी पे जा रहे हैं, फॉर इंस्टेंस एक दिवाली पार्टी हो गई, आई फील पर्सनली इज अ मस्ट हैव। जैकेट्स हो, ब्लेजर्स हो या फिर ओवरशर्ट्स हो, जब भी हम अपने आउटफिट्स को लेयर करते हैं तो ऑब्वियसली वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और स्टाइलिश दिखते हैं। पर जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल या एथनिक वेयर की, द बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव आर नेहरू जैकेट्स। आज की वीडियो में मैं आपको 5 बजट से लेके प्रीमियम नेहरू जैकेट दिखाने वाला हूँ, डिपेंडिंग ऑन वॉट योर बजट इज फॉर दिस फेस्टिव सीजन। नहीं सिर्फ फेस्टिव सीजन में, बट जो आने वाला वेडिंग सीजन है उनमें भी आप इन नेहरू जैकेट्स को बहुत ज्यादा इजीली स्टाइल कर सकते हैं और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्लासी लग सकते हैं। Before actually showing you these Nehru jackets, अगर आपको ये जानना है कि इनको स्टाइल कैसे करें तो डेफिनेटली मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लेना, वहाँ काफी सारा ट्रेडिशनल आउटफिट, एथनिक आउटफिट, वेडिंग आउटफिट आइडिया से रिलेटेड कॉन्टेंट आने वाला है। मैं इन सबको भी वहीं स्टाइल करके दिखाऊंगा। शुरू करने से पहले मैं स्टाइलिंग टिप्स दे देता हूँ ताकि आपके पास जो एग्जिस्टिंग नेहरू जैकेट्स भी हैं आप उनको भी थोड़े अच्छे तरीके से स्टाइल कर सके। एक चीज मैंने देखी, काफी बार ना लोग बहुत ज्यादा ओवर या लाउड जाने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू लुक मोर स्टाइलिश एंड फैशनेबल, बट दैट इज नेवर द केस। जब आपका कुर्ता या जो बॉटम वेयर, इनर वेयर है बेसिकली, वो ज्यादा हैवी है, उस पर ज्यादा काम हो रखा है, तो ऊपर जो आपको लेयरिंग करनी है, फॉर इंस्टेंस योर नेहरू जैकेट, वो थोड़ी सटल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि जब आप दो बहुत हैवी डिजाइंस मिक्स करते हो तो वहां पर काफी ना खिचड़ी पक जाती है, जो अच्छी नहीं लगती है। सेकंड टिप इज, जो आपकी नेहरू जैकेट है वो इवेंट को ना कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस जो थोड़ा कैजुअल सा इवेंट है वहां पे बहुत चमकती धमकती नेहरू जैकेट्स पहनने की जरूरत नहीं है, देयर यू कैन गो सिंपल एंड सटल। बट यही अगर कोई शादी का फंक्शन है, आपके घर में कोई फंक्शन है एक्सेट्रा, यू आर होस्टिंग अ दिवाली पार्टी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, दैट इज व्हेन यू कैन एक्चुअली गो फॉर अ नेहरू जैकेट विद हैवी वर्क, हैवी एम्ब्रॉयडरी, बिकॉज दैट इज मोर सूटेबल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी नेहरू जैकेट्स को ज्यादा और स्टाइलिश दिखा सकते हैं बाय एडिंग एक्सेसरीज लाइक ब्रोश, पॉकेट स्क्वायर एक्सेट्रा। बट ये सारी चीजें सिर्फ तभी ऐड करना जब आप एक सटल नेहरू जैकेट पहन रहे हो, फॉर इंस्टेंस दिस वन। फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नेहरू जैकेट्स आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ इज दिस वन। आई लव दिस मेजरली बिकॉज ऑफ द कलर कॉम्बिनेशन। जो कलर कॉम्बिनेशन है उसमें बेस ग्रे है विच इज अ न्यूट्रल, और साथ में ना एक बहुत ही म्यूटेड कलर का ग्रीन दे रखा है जो काफी पेस्टल वाली शेड देता है। अब जब पेस्टल आप पहनते हो ना, बाय डिफॉल्ट आप प्रीमियम और रिच दिखते हो, जिसकी वजह से ये नेहरू जैकेट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव दिखती है। ऐसे रखते हैं किसी बहुत बढ़िया डिजाइनर ने बनाई होगी, 15-18 हज़ार से तो नीचे नहीं होगी, बट दिस वन इज क्वाइट इन बजट। इन केस आप इस नेहरू जैकेट को ऑर्डर कर रहे हैं तो एक चीज का डेफिनेटली ध्यान रखना, मैंने मीडियम साइज मंगवाया था ये सोच के कि 38 साइज आएगा, बट इस ब्रांड में मीडियम मीन्स 40, तो ये थोड़ा सा भी लूज लग सकता है। बट इफ इट फिट्स यू वेल, या फिर आपको लगता है कि 38 या जो भी एक साइज छोटा है वो आपके लिए ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो एक साइज बड़ा मंगवा के पीछे से ना इसको टक करवा लेना, 50-60 रुपए लगेंगे, 70 रुपए से ज्यादा, एंड इट विल गिव यू अ वेरी वेरी क्लासी एंड अ फाइन फिट। एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो बटन दे रखे हैं ब्रांड ने वो भी काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा, वो ज्यादा हैवी नहीं है, सो दिस इज वन नेहरू जैकेट विच इज क्वाइट वर्सेटाइल, और आप बेसिक से लेके कोई फैंसी इवेंट हर जगह बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं। जस्ट वन थिंग, ये बहुत ज्यादा ना हल्की नेहरू जैकेट है, तो आपकी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है आउटफिट के उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। बट द गुड पार्ट इज, अगर आपको कहीं ऐसी जगह पे नेहरू जैकेट पहननी है जहाँ पे बहुत गर्मी है, वहां के लिए ये काफी ज्यादा ऑन पॉइंट है। नेक्स्ट नेहरू जैकेट ऐसी है विच इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक यू शाइन। द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज दिस ब्लैक एंड गोल्डन नेहरू जैकेट। ऑब्वियसली द प्रिंट एंड द कलर कॉम्बिनेशन बाय डिफॉल्ट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट इसकी सिर्फ एक ज्यादा ना दिक्कत आती है, वो ये है इसको स्टाइल करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज इसके साथ के जो आपके कलर कॉम्बिनेशन है जो अंदर आप इसके पहनने वाले हो वो ज्यादा लाउड नहीं हो सकते। फॉर इंस्टेंस अगर आप इस नेहरू जैकेट के साथ एक कोई बहुत चमकता धमकता रेड या येलो पहन लोगे तो ये शायद उतना अच्छा नहीं लगे, वेयर एज इफ यू वेयर अ बेज और एन अंडरटोन ऑफ ग्रे, दैट माइट कॉम्प्लीमेंट दिस वन वेरी वेल। अदर देन दैट, यहाँ पे ना ब्रांड ने पैनल दे रखा है जहाँ पे आप अंदर से बटन बंद कर सकते हैं और ऊपर इसके एम्ब्रॉयडर्ड बटन्स लगा रखे हैं जस्ट टू मेक इट लुक मोर नीट एंड स्ट्रक्चर्ड। नाउ लेयरिंग से बाय डिफॉल्ट आपका आउटफिट ज्यादा रिच और प्रीमियम लगता है, और साथ ही साथ इसका कलर और पैटर्न भी वैसा ही है। नाउ दिस इज समथिंग विच लुक्स वेरी रॉयल एंड एक्सपेंसिव, ऐसा लगता है 5-6 हज़ार रुपए की तो मिनिमम होगी, क्योंकि इसकी कपड़े की क्वालिटी डिसेंट है वो देख के पता लग जाता है। बट दिस वन आई ओनली गॉट फॉर ₹850, दैट्स इट।
नेक्स्ट वन ऑन माई लिस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल जैकेट्स, जो आप जैसे मैंने अभी शर्ट के साथ पहन रखी है वो भी पहन सकते हैं, और अगर आपको प्रॉपर एक शादी में पहन के जानी है वो भी पहन सकते हैं, और अगर आप एक नॉर्मल पार्टी पे जा रहे हैं, फॉर इंस्टेंस एक दिवाली पार्टी हो गई या फिर क्या रहे और नवरात्रों की पार्टी हो गई एक्सेट्रा, आप वहाँ तक पहन के जा सकते हैं। द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज दिस वन। नाउ दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव आउट ऑफ द लॉट, बट इट इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। The moment you will touch the fabric, you will know the difference कि ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा क्लासी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ इफ़ यू वुड सी, इवन द बटन्स दैट द ब्रांड हैज़ गिवन आर वेरी वेरी अप्रोप्रिएट और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड दे रखे हैं। उसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है क्योंकि ये ब्लू है, इट जस्ट बिकम्स वेरी इजी टू स्टाइल, और बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके के कुर्ते शर्ट्स के साथ बहुत ईजिली आप पेयर अप कर सकते हो, और इसमें बहुत ही ज़्यादा फाइन एम्ब्रॉयडरी दे रखी है जो बिल्कुल भी लाउड नहीं है, विच एक्चुअली मेक्स इट लुक वेरी प्रीमियम एंड वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट वन ऑन माई लिस्ट आई फील पर्सनली इज अ मस्ट हैव, द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज दिस वाइन कलर्ड नेहरू जैकेट। जो ये वाइन कलर की नेहरू जैकेट है, दिस इज वन ऑफ माई पर्सनल मोस्ट यूज नेहरू जैकेट। इसको शायद मैं 2 साल से स्टाइल कर रहा हूँ और अभी भी ना इसको बहुत ईजिली बड़ी सारी जगहों पर बहुत ईजिली स्टाइल कर सकता हूँ। नाउ दिस इज़ माई कलर प्रेफरेंस, वाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि एक रॉयल फैमिली ऑफ कलर से आता है, बहुत ज़्यादा क्लासी भी लगता है। साथ में आप जब एक वेडिंग वेयर या एथनिक वेयर के हिसाब से देखते हो ना, तो ये और ज़्यादा ईजी हो जाता है एक्सेसराइज करना इसको, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आपकी कोई और प्रेफरेंस है कलर में, सो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। नाउ इफ़ यू वुड सी, जो इसके बटन्स है ना वो भी ब्रांड ने बहुत बेसिक दे रखे हैं। ये इसलिए भी है कि अगर आपको फॉर इंस्टेंस कभी ऑफिस में फॉर्मली पहनना हो, या फिर ऑफिस में एक पार्टी है ट्रेडिशनल से रिलेटेड या दिवाली पार्टी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, दिस इज वन नेहरू जैकेट दैट यू कैन वेयर और कभी भी ना ओवर नहीं लगेगी। सो अकॉर्डिंग टू द ओकेजन आप इस नेहरू जैकेट को बहुत ईजिली मोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन ऑन माई लिस्ट इज जो फुल ऑन शादी फील्स देती है, द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज दिस क्रीम एंड गोल्ड। नाउ क्रीम एंड गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट richest and most used color combination when it comes to Indian marriages specifically, और obviously बहुत ही ज़्यादा classy और बहुत ही ज़्यादा royal vibes देता है। That is why you would see most of the celebrities, most of the people who are designers etc. वो इस color combination के आसपास काफ़ी सारे outfits create करते हैं। इस वाली भी मैंने size small order किया है, that is majorly because क्योंकि एक light color है and relaxed fit होता है ज़्यादातर नेहरू jackets का, तो अगर रिलैक्स फिट है और अगर लाइट कलर है तो ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा बड़ा दिखाएगी। नॉट टू मेक द आउटफिट लुक मोर स्ट्रक्चर्ड एंड स्लिम, मैंने एक साइज छोटा ऑर्डर किया है। यू कैन ट्राई दिस, नहीं तो आप ऑब्वियसली एक्सचेंज करवा के अपना रेगुलर साइज भी मंगवा सकते हैं। दिस वन इन पर्टिकुलर इज टिपिकली आउट एंड आउट अ वेडिंग सॉर्ट ऑफ, या फिर एक हैवी फंक्शन में आप जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन में जा रहे हैं, तब आप इसको पहन सकते हैं। अगेन यू कैन पेयर इट अप विद अ शर्ट ऑल्सो, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इसको एथनिक वेयर के साथ ही, फॉर इंस्टेंस कुर्ता एक्सेट्रा के साथ ही रखना, और जो भी आप कुर्ता भी पेयर करो वो इसी कलर फैमिली का होना चाहिए, तभी बहुत ईजीली ये खिल के आएगी। अदरवाइज देयर आर चांसेस दैट यू माइट गो रॉन्ग विद द स्टाइलिंग बिकॉज दिस वन इज नॉट वेरी वर्सेटाइल दैट वे। वेल दैट वॉज मेजरली अबाउट 5 नेहरू जैकेट्स दैट यू कैन लिटरली यूज टू लेवल अप योर स्टाइल दिस एंटायर फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन। टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि आपको सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी लगी। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन टेक केयर, स्टे स्टाइलिश।